आज हम ट्विन पिट पोर प्लस सैनिटरी लेटरिन के बारे में देखेंगे। ठीक। दिस टेक्नोलॉजी कंसिस्ट टू ऑल्टरनेटिंग पिट कनेक्टिंग टू अ पोर फ्लश टॉयलेट। ठीक। द ब्लैक वाटर इज कलेक्टेड इन द पिट्स एंड अलाउ टू स्लोली इनफिल्ट्रेट इन टू द सराउंडिंग सॉइल। आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो स्वच्छ भारत अभियान में भी आई है ये सामने। आप देखिए इसमें क्या करते हैं, हम ये दो टैंक बनाते हैं, ये एक टैंक है ये दूसरा टैंक है। तो पहले हम इसे फिल करते हैं, ये टैंक फिल हो जाता है तो हम इसे यहाँ से एक वाल्व होता है यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं और दूसरा टैंक फिल करते हैं। इस टैंक की अगर डाइमेंशंस की बात करूँ मैं तो इसकी जो डेप्थ होती है वो 4 मीटर की होती है। ठीक। इसके अगर डायामीटर की बात करूँ मैं तो इसका ये डायामीटर 3.5 मीटर का होता है। 3.5 मीटर। इसके ऊपर जो ये हम कवर करेंगे वो 6 से 7 mm थिकनेस का होना चाहिए, या और भी मोटा ले सकते हैं हम, बट इसमें कोई भी लाइट एयर पास नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए। ठीक। तो इन दोनों की डिस्टेंस हम 1 मीटर रखेंगे, इन दोनों पिट्स की डिस्टेंस को हम 1 मीटर रखते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, हम क्या रखेंगे, इन्हें स्लोप पे रखेंगे थोड़ा सा। जैसे यहाँ अगर ये चैम्बर है तो इन दोनों पिट्स को थोड़ा सा हम स्लोप पे रखेंगे डायगोनली, ऐसे कुछ है ना, जैसे ये फिगर में दिखा रहा है, ताकि जो भी मल है वो इसमें स्लाइड होके चला जाए, ये फिल हो जाए। ठीक। यहाँ पे होल्स भी होते हैं इसके, यहाँ साइड्स में, साइड में अगर बात करूँ मैं तो होल्स होते हैं। इन होल से क्या होता है, जब ये एक पिट भर गया तो यहाँ से ये वाटर सॉइल में जा सकता है, रिलीज हो सकता है। ठीक। और ये पूरा यहाँ पे क्या, आपको खाद मिल जाएगी। फिर अगर मैं ऑन एवरेज बात करूँ तो एक फैमिली के लिए ये एक पिट 4 से 5 साल तक वर्किंग में रहता है, काम में आता है। ठीक। अब 4 से 5 साल के बाद हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इस दूसरे वाले को ऑन कर लेंगे, है ना। यहाँ वाल्व लगा सकते हैं आप या कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक। तो ये हमने दूसरा अरेंज कर लिया, दूसरा ऑन कर लिया, तो अब यहाँ पे सारा वेस्ट मटेरियल जा रहा है। ठीक। और इसको हम 1 साल तक एज इट इज छोड़ देंगे, तो 1 साल बाद जब हम इसे यूज करेंगे तो वो खाद प्रॉपर अच्छी खाद होगी और प्रॉपर खाद बन चुकी होगी, डिकम्पोज हो चुकी होगी। ठीक। तो ऐसे हम इसका 1 बाय 1 यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे इसने यूज किया हुआ है, टॉप व्यू दिखा दिया ये मैंने इसका, है ना। ये अब जब एक ये फिल हो गया तो इसने अब ये दूसरा ऑन कर लिया, दूसरा खोल लिया, अब ये इसको फिल करेगा। ठीक है। इसका हम कोशिश करें कि 4 मीटर से ज्यादा डेप्थ ना हो, नहीं 4 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगी तो वो ड्रिंकिंग वाटर को इफेक्ट कर सकता है। अब हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम में रेफर टू ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न फॉर्म बाय स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लेक्स इन ड्रेनेज बेसिन, है ना। अभी फिगर में देखते हैं रिवर से वो जो वाटर आ रहा है ना, वो कैसे उसका ड्रेनेज होता है वो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ड्रेनेज सिस्टम अ सिस्टम बाय विच वाटर ड्रेन ऑन और इन द सॉइल इनहेंस प्रोडक्शन, है वाटर कैसे ड्रेनेज होता है सॉइल के थ्रू, अगर आप भेज रहे हो तो कैसे वो इनहेंस करेगा उसका प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर बेस में अगर आप फील्ड में वाटर ड्रेनेज कर रहे हो, लगा रहे हो वाटर, है ना, सिंचाई कर रहे हो इरिगेशन के दौरान, तो वो सब बता रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न उसने बताए हैं, ये बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। जैसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो डेंट्रिक पैटर्न डेवलप्स ऑन रिलेटिवली यूनिफॉर्म बेड रॉक्स, यानी कि इसमें कुछ ऐसे ये पेड़ जैसी आकृति बन जाती है और वाटर फ्लो करता है यहाँ से
और रॉक से टकराता हुआ ये कुछ इस तरीके से फ्लो करता है ना। तो एक पैटर्न ये हो गया आपका ड्रेनेज होने का, वाटर अगर ड्रेनेज होगा तो कुछ ये पैटर्न बना रहा है, ठीक, पेड़ की शेप का। दूसरा कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। आप इनके सीक्वेंस को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड पे रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप्स ऑन हाई जॉइंट बेड रॉक्स। अब ये कुछ ऐसे रॉक्स हैं, ठीक, ऐसे स्क्वायर शेप में रॉक्स हैं, तो अगर मैं यहाँ से ये वाटर रिलीज हो रहा है, आ रहा है, तो वो कुछ ऐसी शेप ले लेगा, है ना, कुछ रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा, तो पैटर्न कुछ उसका ऐसा बनेगा, ठीक। नेक्स्ट हम थर्ड रेडियल पैटर्न ले लेते हैं। रेडियल पैटर्न में क्या होगा, रेडियल पैटर्न डेवलप्स ऑन आइसोलेटेड वॉल्केनिक कोन्स एंड डोम्स, है ना। अगर कोई डोम्स पे है, ऐसे कुछ हिली एरियाज में है, और वाटर यहाँ से रिलीज हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो कुछ उसका पैटर्न ऐसा बनेगा, इसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट ट्रेल्स पैटर्न, ये क्या होगा, डेवलप इन एरिया ऑफ ऑल्टरनेटिंग वीक एंड रजिस्टिंग बेड रॉक्स। अब कुछ अगर ऐसे रॉक्स हैं तो ऐसा ट्रीट पैटर्न भी बहुत सी बार बन जाता है। तो मेनली ये चार टाइप के हैं, और भी इनसे ज्यादा हो सकते हैं, बट बेसिकली ये चार टाइप के ही ज्यादातर हम देखते हैं पैटर्न। ये बात कर रहा है सुलभ शौचालय की। जैसा कि आप जानते हैं, सुलभ शौचालय प्रोवाइड टॉयलेट फैसिलिटीज टू द पीपल। ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सर्विस, ऑर्गेनाइज इन वाइडली रिकॉग्नाइज इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, ये इसके फाउंडर थे बिंदेश पाठक। जैसा कि इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, ये टॉयलेट फैसिलिटी होती है ना, तो इसमें भी आजकल हम ये डबल पिट यूज कर रहे हैं, देखो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक। तो ये आउटसाइड द होम अगर आपको टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए, है ना, तो वो छोटे छोटे सुलभ शौचालय बनाए होते हैं जो कि फेमस है इंडिया में, और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बनाए हुए हैं, तो वहाँ आप टॉयलेट फैसिलिटी यूज कर सकते हो। और इसमें हम आजकल यही सिस्टम यूज कर रहे हैं, इससे हमें खाद मिल जाती है और काफी इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, बढ़िया पैटर्न है ये सिस्टम। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान भी इसे काफी हाईलाइट किया गया था। तो चलिए अब इन स्लाइड्स में जो भी आपके डाउट हैं पहले वो ले लेते हैं। तो आप वन बाय वन अपने डाउट रख